केंद्रीय आम बजट 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आर्थिक विश्व शक्ति बनाने के सपने को पूरा करने की राह पर अग्रसर करेगा। हमीरपुर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि इस बार का बजट बहुत ही संतुलित एवं बढ़िया है तथा ये बजट बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने वाला है। केंद्रीय आम बजट 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आर्थिक विश्व शक्ति बनाने के सपने को पूरा करने की राह पर अग्रसर करेगा। हमीरपुर में जारी प्रेस विज्ञप्ति में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि इस बार का बजट बहुत ही संतुलित एवं बढ़िया है तथा ये बजट बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने वाला है। गांव में गरीब और किसान के हितों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए बजट की सराहना करते हुए पूर्व सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। भारत की संसद में रखे गए बजट में गांव और शहर दोनों के ही विकास का ध्यान रखा गया है। वक्त की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में शिक्षा नीति के बारे में बड़े विस्तार से बात की गई है। युवा पीढ़ी के लिए स्टैंडअप और स्टार्टअप तथा महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है। ब्याज में राहत देने की बात कही गई है। अनेकों सुविधाएं जो भारत के आम नागरिकों को प्राप्त हो रही थी उन्हें और आगे बढ़ाया गया है। गृह निर्माण के लिए दिए जाने वाले ऋण को भी सस्ता किया गया है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस तरह की अनेकों योजनाएं इस बार के बजट में कही गई हैं, जो आम नागरिक को लाभान्वित करेंगी तथा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगी। उन्होंने कहा कि जब बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा तब निश्चित रूप से देश में विकास तीव्र गति से दौड़ेगा। ऐसे संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए वे केंद्रीय वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहते हैं एवं बधाई भी देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण आशा है कि अब निराशा के वातावरण से बाहर निकलकर भारत अब तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आने वाले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिकी को $5 ट्रिलियन का बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है उसे प्राप्त करके भारत विश्व में नई आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा, विश्व भर में भारत का स्थान और ऊंचा उठेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज एक बहुत ही बढ़िया संतुलित बजट गांव गरीब और किसान के हित में भारत की संसद में रखा है, जो सराहनीय है। इससे बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया जाएगा और गांव और शहर दोनों के विकास के लिए योजनाओं का प्रावधान किया गया है। वक्त की जो आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान पूर्व रखा गया है। शिक्षा नीति के बारे में बड़े विस्तार से बात की गई है। युवा पीढ़ी के लिए स्टैंडअप और स्टार्टअप तथा महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारी योजनाओं की घोषणा हुई है। ब्याज में बहुत राहत देने की बात कही गई है। अनेकों सुविधाएं जो प्राप्त थी उनको और आगे बढ़ाया गया है। भवन निर्माण के लिए, गृह निर्माण के लिए भी जो कर्जा लेते हैं उसको सस्ता किया गया है। 2 लाख तक मिलने वाला लाभ अब 3.5 लाख तक का हो गया है। इस तरह की अनेकों योजनाएं हैं। बुनियादी ढांचा जब सुदृढ़ होगा तो विकास को निश्चित तौर पर गति मिलेगी। मैं ऐसा संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। मुझे विश्वास है निराशा के वातावरण से बाहर निकलकर अब भारत तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आने वाले कुछ वर्षों में $5 ट्रिलियन की जो आर्थिकी बनाने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य है उसे देश प्राप्त करके विश्व भर में एक आर्थिक शक्ति के तौर पर भी अपना स्थान बहुत ऊंचे स्थान पर बनाए।